हेलो एवरीवन, अभी हम यू शाइन का आईलेसेस एक्सटेंशन दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ब्राइट टिश्यू से वाइप करेंगे, उसके बाद हम आई पैच अप्लाई करेंगे। जब भी हम आई पैच अप्लाई करते हैं तो आईज बिल्कुल प्रॉपर ओपन होना चाहिए। आगे मत करो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अभी ये हम डॉक्टर टेप अप्लाई कर रहे हैं सपोर्ट के लिए। ये प्रोटीन रिमूवर है यू शाइन का। इसके जो ये क्या होता है, डस्ट रिमूवर होता है या मेकअप रिमूवर होता है। ये एयरबड में एक ड्रॉप लेना है आपको। उसके बाद जो आईलेसेस है उसको हमें क्लीन करना है। जो भी डस्ट होता है वो उससे क्लीन हो जाता है प्रॉपर। उसके बाद ये प्राइमर है, ये भी हमें अप्लाई करना है एयरबड के साथ। यू शाइन का ग्लू है आईलेस ग्लू, ये हम। उसके बाद ये आईलेसेस है। हम जब भी हम आईलेसेस अप्लाई करते हैं तो हम पहले उसके साइड में हम आईलेसेस को रख के देखते हैं हमेशा। अगर हमारा 10 नंबर आईलेसेस लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम 12 नंबर लगाएंगे, 12 नंबर है तो 14 नंबर लगाएंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से हम ब्रश से उसको क्लीन करेंगे। देन ये ट्वीजर है, 3 तरीके का ट्वीजर होता है। उसमें आईलेसेस उठाना है, हमेशा हम आउटर साइड से उसको स्टार्ट करना है। अगर आईलेसेस के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लू है तो उसको क्लीन करो, देन उसके बाद आईलेसेस के साथ उसको टच करना है। उसको लगाने के लिए 1 mm स्किन से छोड़ना होता है, स्किन के साथ इसको टच नहीं करते उसको लगा के। देन इस वाले ट्वीजर से हम उसको शेप देना है। जब भी हम आईलेसेस का एप्लीकेशन करते हैं तो बीच बीच में हमें ये आईलेसेस ब्रश जो है उससे उसको क्लीन करना है, जिससे वो शेप में आ जाए और जो बाल पे नहीं लगाए वो दिख जाए। तो अभी देखो जो लगा नहीं होता वो निकल जाता है। जो भी हम आईलेसेस लगाते हैं वो 1 hairline छोड़ के लगाते हैं, स्किन के साथ टच करके नहीं लगाते उसको। ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये हमने नेचुरल आईलेसेस एक्सटेंशन किया है। आईलेसेस कंप्लीट होने के बाद 2-3 मिनट हमें वेट करना होता है, जिससे हमारा जो आईलेस का ग्लू है वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। तो ये आईलेसेस अभी कंप्लीट हो गया है, नेचुरल आईलेसेस है, ठीक है। जब भी हम आईलेसेस करते हैं तो आईलेसेस करने के बाद 48 hours तक पानी नहीं लगाना होता। इजली तरीके से आई पैच और डॉक्टर टेप रिमूव हो जाते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम ब्रश करेंगे, देन उसके बाद आईज को ओपन कराएंगे। आप ओपन करो आईज, ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है।